हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी, वो है आलू चाट। इसे बनाना बहुत आसान है, ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करिएगा। तो इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आप सभी को मेरी नई वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बनाएं आलू चाट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पैन को गर्म कर लेना है और इसमें मैं डालूँगी एक छोटा चम्मच ऑयल। तेल हमारा गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए टमाटर। एक मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे। एक मिनट हमने टमाटर को पकाया, अब हमें इसमें डालना है थोड़े से मसाले। यहाँ मैं डालूंगी हल्दी 1/3 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और डालेंगे चाट मसाला, और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटा ग्लास में पानी लिया हुआ है, इसका मैं आधा डालूंगी ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं इसमें। इसके बाद हमें लेना है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कटे हुए उबले आलू, इसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। आलू को हमने 3 मिनट तक कुक किया है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आलू को हमने बाउल में निकाल लिया है, ये अभी गर्म है, इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं। आलू हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हमें इसमें डालना है कटे हुए प्याज। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड करें, पर इसे ऐड करने से हमारा आलू चाट और भी टेस्टी हो जाता है। तो इसे हम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रखेंगे। इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे जिसमें हमें सर्व करना है। तो यहाँ मैंने एक वुडन का बाउल लिया हुआ है, इसमें हम इसे डाल देंगे। अब हमें इसमें डालना है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन चटनी, कि मुझे तीखा पसंद है इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ, और डालूंगी थोड़ा सा मीठा चटनी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने मोटा वाला सेब लिया हुआ है, इसमें हम डाल देंगे इसे। और इसके ऊपर से थोड़ा सा प्याज से हम गार्निश करेंगे, और डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और डालेंगे थोड़ा सा नायलॉन सेब। आलू चाट हमारा बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी है, सभी को ज़रूर पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।